जी सभी को नमस्ते। कल हम लोगों ने यह असाइनमेंट लिया था, इस संदर्भ में यदि किन्हीं का कोई शेयरिंग हो या कोई प्रश्न हो, इन प्रश्नों को समझने में यदि कोई कठिनाई हो तो रख सकते हैं यहाँ पर। तो एक तो बात ये थी कि हैविंग अज्यूम्ड या अंडरस्टूड नेचर और एग्जिस्टेंस इन डिटेल, हैव यू चेंज योर लिविंग पैटर्न चॉइसेस, चॉइस ऑफ फूड, डेली रूटीन, तो क्या इस पूरी बात को समझ कर या स्वीकार कर आपके जीने में परिवर्तन हुआ है, आपके चॉइसेस में परिवर्तन हुआ है। टू व्हाट एक्सटेंट आर यू एबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी इन टर्म्स ऑफ देयर नीड्स, एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्स, तो मैं और शरीर के अंतर को हम कितना अभी देख पा रहे हैं, आवश्यकता के अर्थ में, क्रियाओं के अर्थ में, रिस्पॉन्स के अर्थ में। आर यू एबल टू सी दैट सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड बॉडी इज यूज्ड जस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो क्या इस बात को हम देख पा रहे हैं कि मानव के होने में मैं केंद्र में है, शरीर साधन मात्र है। तो ये असाइनमेंट था कल का, और इस पर हम लोग रिफ्लेक्ट पहले से भी करते रहे हैं। जब हमने शिफ्ट की बात की थी तो भी इस पर बात हुई थी कि क्या शिफ्ट हम अपने आप में देख पा रहे हैं, तो उसी की एक तरह से पुनरावृत्ति है ये। परंतु यदि इसमें किन्हीं का कोई शेयरिंग हो, कोई अलग से बात कोई ध्यान में आई हो, आपके जीने से जुड़ी हुई हो, जिसमें आपको अपने आप में एक परिमार्जन दिखाई दिया है, परिवर्तन दिखाई दिया है, और आपको लगता है कि ये सभी के लिए उपयोगी हो सकता है, तो अभी शेयर कर सकते हैं। जी बढ़िया। तो मुझे लगता है इन मापदंडों पे हम सबको अपने अंदर एक परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है। अगर आखिरी प्रश्न को लें कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूं, क्या इस बात को हम अब पहले से बेहतर ढंग से देख पा रहे हैं कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूं? तो इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकलता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं शरीर के साथ, अल्टीमेटली साध्य तो मैं हूं और शरीर साधन मात्र है। तो शरीर में उलझ के नहीं रहना है, शरीर का सदुपयोग करना है। इनफैक्ट जब हमारे अंदर शरीर के सदुपयोग का भाव आता है तो हम शरीर को ज्यादा बेहतर ढंग से रख पाते हैं, ज्यादा उसका सदुपयोग कर पाते हैं। जी बढ़िया। तो इस पे तो हम सबको स्पष्टता है। इसके बाद यदि हम लोग अभ्यास को ओपन करते हैं, अभ्यास को लेकर चर्चा करते हैं, तो हम लोगों ने अभी प्रस्ताव के रूप में जो बातें सुनी, तो मानव की बात हुई, मानव की जो बात हुई तो मैं और शरीर दोनों वास्तविकताओं की बात हुई, और मैं और शरीर को समझने के क्रम में हमने उनकी आवश्यकताओं को पहचाना, क्रियाओं को पहचाना, उनके रिस्पॉन्स को स्टडी किया। तो उससे ये स्पष्टता होने लगती है, कम से कम कल्पनाशीलता में तो ये बात हमको ज्यादा स्पष्ट होने लगता है कि मैं और शरीर ये दो वास्तविकताएं हैं। पर फिर भी अपने अंदर एक उलझन या शंका बनी रहती है, एक अस्पष्टता बनी रहती है, क्लैरिटी नहीं हो पाती है कि अल्टीमेटली मैं है क्या, इसको जैसा है वैसे कैसे देखा जाए, क्या मैं शरीर से भिन्न हूं या शरीर का ही एक भाग हूं, शरीर का कोई प्रभाव हूं, और शरीर से भिन्न हूं तो फिर क्या मैं इकाई हूं या कुछ और हूं, तो मैं जैसा हूं वैसा अपने आप को कैसे देख पाऊं, ये हम सबके अंदर एक रहस्य जैसा बना रहता है। तो बात हमें वैचारिक रूप से तो स्पष्ट हुई, ठीक, जीने में भी उसका फल परिणाम दिखने लगा, परंतु भाव के स्तर पर अभी बहुत स्पष्टता नहीं रहती है, इसलिए हमारे भाव हिलते डुलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अस्पष्टता है, कहीं पे शंका है, क्लैरिटी नहीं है, रहस्य जैसा लगता है। तो भाव के स्तर पर देखेंगे तो आश्वस्ति नहीं बनती, तो भाव में परिमार्जन कैसे हो, वस्तु जैसी है वैसे देखने के प्रति जो आश्वस्ति हो सकती है, देखने के आधार पर जो आश्वस्ति हो सकती है वो कैसे सुनिश्चित हो कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, शरीर ऐसा ही है, ठीक है ना, संबंध ऐसा ही है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक शुद्ध दृष्टा के रूप में वास्तविकता को देखें, सिर्फ उसे विचार न करें। तो जितना जितना हम शुद्ध दृष्टा के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, आप पाएंगे कि विचार हमारा जल्दी पूरा होता है, भाव में स्पष्टता बनती है, और जो विचारों का बोझ है वो कम होने लगता है। तो अभी हम लोग जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, हम कुछ अभ्यास भी करते हुए चलेंगे, ताकि एक शुद्ध दृष्टा के रूप में स्वयं को, शरीर को, संबंध को, प्रकृति को, अस्तित्व को जैसा है वैसा हम देख पाए। तो उसी अर्थ में ये अभ्यास है।
अब अगर उसके थोड़े बैकग्राउंड की बात करें तो लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है, एक स्तर पर लक्ष्य हो सकता है कि हम जीना चाहते हैं। उससे आगे की बात करें तो हम तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं, उससे और आगे की बात करें तो हम निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं। तो अगर जीने में ही लग रहा काफी संघर्ष हो रहा है, जीने में ही बाधा उत्पन्न हो रही है, जीने को लेकर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, तो हमारी दृष्टि वहीं तक रहती है कि किसी तरह जीना हो जाए। बट एक बार जीना सुनिश्चित होने लगे तो हम सोचते हैं तृप्ति पूर्वक जिया जीना हो। एक बार तृप्ति पूर्वक जीने की भी संभावना बनने लगती है, हमको लगता है कि क्यों ना इसकी निरंतरता हो। तो हम देखें तो हमारी मूल इच्छा तो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने की है, बट उतना न हो तो हम सोचते हैं सामयिक रूप से हो ना, अगर तृप्ति ना हो तो कम से कम जीना तो हो। तो ये भी हम सबके आकलन की स्थिति है। तो जीने के लिए देखें तो सुविधा की आवश्यकता है कि हमारा शरीर चलता रहे, उसके लिए हम प्रबंध करते हैं, उत्पादन करते हैं, एक तरह से हम समाज में भागीदारी करते हैं ताकि हमारा शरीर चलता रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं ताकि हमारा शरीर चलता रहे। तो अगर हमारी दृष्टि जीने तक जाती है तो हम सुविधा और शरीर उन दोनों का ध्यान रखते हैं। तृप्ति पूर्वक जीने की बात करें तो हम संबंधों पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि जहाँ रह रहे हैं वहाँ खटपट ना हो, आपस में व्यवहार ठीक चले, एक दूसरे की बात से हम दुखी ना हो जाए, साथ रहने में कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, ठीक, तो संबंधों का ध्यान रखते हैं। और यदि निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना हो तो ये दिखता है कि वो तो स्वयं में स्वयं द्वारा ही पूरा होना है, इसलिए समझ की आवश्यकता है, क्योंकि अगला व्यक्ति हमेशा सही व्यवहार करे भी, शरीर में कोई रोग भी ना हो, सारी सुविधाएं भी हो, बट मैं स्वयं का क्या करूंगा, जो मेरे अंदर प्रश्न तैयार होते हैं, जो उलझने बनती हैं, जो शंका भय तैयार होता है, उनका क्या करूंगा, इसलिए दिखता है कि इसमें तो समझ की आवश्यकता है। और एक बार निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने का कार्यक्रम स्पष्ट हो जाए तो हम संबंधों में भी तृप्ति पूर्वक जी पाते हैं, भले ही अगले व्यक्ति का व्यवहार ठीक ना हो, हमारा व्यवहार ठीक रहता है, और अगले व्यक्ति के गलत व्यवहार से भी हम दुखी नहीं होते, हमारा सुख बना रहता है। अगर समझ के लिए काम करें तो हम शरीर का भी ध्यान रख पाते हैं और शरीर की आवश्यक सुविधा भी जुटा पाते हैं, और उसमें कभी यदि कम ज्यादा भी हो जाए, कभी सुविधा कम पड़ जाए, कभी शरीर अस्वस्थ हो जाए, तो भी हमारे अंदर कोई शंका भय उत्पन्न नहीं होता, तो हम शरीर को शरीर के रूप में देख पाते हैं, सुविधा को सुविधा के सामयिकता के अर्थ में देख पाते हैं, और उसके साथ हमारा निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना बना रहता है। तो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के अर्थ में मूलतः हमें जो अभ्यास करना है वह है कि सही समझना स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक को। तो समझने जाते हैं तो दिखता है कि क्या समझे, तो जैसे अभी तक हम लोगों ने बात किया उसी का एक तरह से पुनरावृत्ति है, तो स्वयं को भी समझेंगे, संबंधों को भी समझेंगे, आसपास की प्रकृति को भी समझेंगे, व्यवस्था समाज की जो बनी है, जो सहज रूप से स्वीकार है, उसको भी समझेंगे, पूरे अस्तित्व को समझेंगे, कुछ भी शेष रह जाएगा वहां पर आश्वस्ति की कमी होगी, वहां भय उत्पन्न होगा। तो सही समझना स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक, उसके आधार पर सही भाव सही विचार करना। तो एक बार हमें स्वयं से लेकर पूरे अस्तित्व तक की समझ बनती है तो हमें संबंध दिखाई देता है, व्यवस्था दिखाई देती है, सहस्तित्व दिखाई देता है। ये ब्लॉक B1 में होने वाला काम है, जिन्होंने मैं की बात की तो उसमें दो आयाम दिखाई दिए, एक ब्लॉक B1 एक ब्लॉक B2। तो ब्लॉक B1 में ये ज्ञान वाला भाग पूरा होता है, तो ब्लॉक B2 में हमारे अंदर सही भाव सही विचार बने रहते हैं, सही भाव सही विचार बने रहते हैं। तो सहस्तित्व के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, संबंध के अर्थ में कि मेरा हर क्षण भाव होता है, हर क्षण विचार होता है। अब जब मेरे अंदर हर क्षण सहस्तित्व का ही भाव बना रहता है, सहस्तित्व का ही विचार होता है, तो जब मैं व्यवहार करता हूं तो मेरे व्यवहार में भी सहस्तित्व का ही जीना होता है। तो सही जीना परस्परता में, सहस्तित्व के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, संबंध के अर्थ में, तो मेरा व्यवहार हर क्षण सहस्तित्व के अर्थ में होता है, मेरा कार्य हर क्षण सहस्तित्व के अर्थ में होता है, मेरी भागीदारी हर क्षण सहस्तित्व के अर्थ में होती है।
मूल मुद्दा दिखता है कि सहअस्तित्व है मेरा, है ना। सहअस्तित्व की जितनी स्पष्टता होती है व्यवस्था भी स्पष्ट होती है और संबंध भी स्पष्ट होता है। तो मेरा व्यवहार, कार्य, भागीदारी, ये सब कुछ सहअस्तित्व के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, संबंध के अर्थ में होता है। अब ये बात हमने सुनी, हमने इसको जांचने का प्रयास भी किया, कल्पनाशीलताएं फैलाया, भिन्न भिन्न तरह के जो प्रश्न आते हैं, जो प्रसंग आते हैं, परिस्थितियों पर ध्यान जाता है, उन सब के साथ रिलेट करके देखा, एक वैचारिक स्पष्टता हमारी बनती है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि अगर विचार में भी स्पष्टता ना बने, वहां चीजें लॉजिकल ना लगे, रैशनल ना लगे, या जब वेरीफाई करने जाए तो एसेंस क्लियर ना हो कि वेरीफाई करें तो क्या करें, तो हम उलझ जाते हैं। तो वैचारिक रूप में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजों पर हमारी स्पष्टता बनी। अब इसको सीधा सीधा देखने का अभ्यास करना है, ये भाव दिखे, है ना। दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, ये भाव मुझे दिखे। दूसरा मेरा संबंधी है, ये भाव मुझे दिखे, ताकि मुझे इसके लिए अलग से विचार ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि घटना हो गई और फिर मैंने विचार किया तो एक स्थिति तो यह है कि कोई अगला व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है, हम आवेश में आ गए, हमने भी गलत व्यवहार किया, बात बढ़ गई, झगड़ा फसाद हो गया, ठीक, और हमको लगा कि हमने बिल्कुल ठीक किया, इस मौके पर यही करना चाहिए था, एक स्थिति। दूसरी स्थिति हुई कि ऐसा कुछ हो गया, हमें अफसोस हो रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बात ज्यादा बढ़ गई, अगर मैं चुप रह जाता तो बात इतनी नहीं बढ़ती, ये दूसरी स्थिति हुई। तीसरी स्थिति हुई कि अगला व्यक्ति जब ऐसा व्यवहार करना शुरू किया, ठीक, तभी मुझे ध्यान आया कि देखो ये गलत व्यवहार कर रहा, बट मेरे बोलने से बात बढ़ जाएगी, तो मैंने वहीं अपने आप को रोक लिया, बट अंदर ही अंदर इरिटेशन चल रहा था, है ना, उसके प्रति गुस्से का भाव बना हुआ था, ठीक, और लग रहा था कि बस एक सीमा की बात है, इस सीमा के बाद रोक पाना मुश्किल है। चौथी स्थिति ये हो सकती है कि अगला व्यक्ति जैसे ही ऐसा व्यवहार शुरू किया तो मैं पता लगता है कि देखो ये परेशानी में है, और मुझे पता ही है मैं तो इसके साथ रहता हूँ, ठीक, इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, इसको अभी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो ये व्यक्ति इस तरह की परिस्थिति में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, ये मुझे दुखी नहीं करना चाहता, अभी खुद दुखी है, बट चूंकि खुद दुखी है और उसको खुद से ही अपने आप में रोक नहीं पा रहा उस दुख को, तो उसको बाहर निकाल रहा है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। उसके चाहना ठीक है ना, परंतु उसके व्यवहार में चूक हो रही है, ये चौथी स्थिति में। इसमें से किस स्थिति में हम रहना चाहेंगे? तो एक स्थिति मैंने बताया, ये लड़ाई झगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया और हमने भी गलत व्यवहार किया, बट हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दूसरी स्थिति, हम उसका अफसोस कर रहे हैं। तीसरी स्थिति कि अंदर अंदर रिएक्शन तो है बट व्यवहार में नहीं आने दे रहे। चौथी स्थिति कि अंदर ही रिएक्शन नहीं है। हम किस स्थिति में रहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा, चौथी स्थिति में रहना चाहेंगे, बहुत ही बढ़िया। तो हम चौथी स्थिति में कैसे आए, इसके लिए जरूरी है कि हमें सहज रूप से स्पष्टता के साथ ये दिखाई दे जाए कि कोई मनुष्य दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता। जब वो खुद दुखी होता है और उस दुख को अपने अंदर नहीं रोक पाता तो दूसरे को दुखी करने निकल जाता है। चाहना हर मनुष्य को ठीक, तो फिर हमारे अंदर करुणा का भाव आता है कि व्यक्ति जो स्वयं में दुखी है ये कैसे सुखी हो जाए। तो फिर हम किसी घटना के बाद विचार करें अगले को सुखी करने का, ऐसा नहीं। मैं हर क्षण अपने अंदर हर एक मानव के सुख का विचार करता हूँ, मेरे अंदर भाव ही ये रहता है कि कैसे हर व्यक्ति धरती का सुखी हो जाए। उसके लिए मैं योजना बनाता हूँ, कार्यक्रम बनाता हूँ, सिस्टम तैयार करता हूँ कि नहीं, उसके लिए अपना तन मन धन लगाता हूँ। ये तो पता ही है कि ये आज नहीं तो कल होना ही है। तो इन तीन बातों पे हमें अभ्यास करना है। अभ्यास करते ही है कि ये चौथी स्थिति है वो हमारी सहज रूप से बनी रहे, ताकि हमारे जीने का हर निर्णय इसी प्रकार से हो। तो इनमें से सही समझने के अर्थ में हम विस्तार से काम करेंगे अभ्यास एक और दो में। तो मैंने एक उदाहरण लिया कि अगर हमारे अंदर सही भाव स्थापित हो जाए तो क्या स्थिति बनती है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी हम पहले दूसरे या तीसरे किसी स्थिति में हो, पहुंचना चाहते हैं चौथी स्थिति में। कभी कभी ऐसे प्रसंग होते होंगे कि हम पहली स्थिति पहुंच जाते होंगे,
अभी भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ मैंने बिल्कुल ठीक किया। कहीं कहीं पे अफसोस कर रहे होंगे, रिपेंट कर रहे होंगे कि नहीं कुछ ठीक नहीं किया। कहीं कहीं पे हो रहा होगा कि रिएक्शन अंदर अंदर चल रहा है बट अशांत है उससे, बट उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। तो सहज रूप से हम चौथी स्थिति में आ जाए इसके लिए हमें अभ्यास करना है। ये एक उदाहरण है। वैसे ही हम देखें तो मैं शरीर, इसकी बात हम लोग बारंबार करते रहे, ये मैं है क्या? बिना किसी विचार के, बिना किसी उलझन के हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए कि यही मैं होता है, मैं ये हूँ, है ना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं यह इकाई हूँ। ठीक, वैसे ही आगे बढ़े तो शून्य हमको दिखाई दे जाए, यह शून्य है, इस शून्य में मैं बना हुआ हूँ, प्रकृति की हर इकाई बनी हुई है। तो वांछित स्थिति यही है कि हमें पूरा स्थिति जैसा वैसा दिखाई दे जाए। तो वांछित स्थिति पहुंचने के लिए हम लोग अभ्यास करेंगे। एक तरफ से तो हम पूरे अस्तित्व के बारे में प्रस्ताव का अध्ययन करते रहेंगे और साथ ही साथ इसको स्वयं में ऑब्जर्व भी करेंगे और अब पाएंगे कि सारा मुद्दा अपने में प्रायोरिटी सेट करने का है कि हमको दिख जाए कि मुझे सहज रूप से दिखना है, मतलब मुझे ये स्वयं में निर्णय हो पाए मुझे सहज रूप से चीजें दिखनी है ना, उनको मानकर स्वीकार करके भर नहीं रहना है, मुझे उसको देख लेना है, उसको जान लेना है, समझ लेना है। जितनी जितनी हमारे अंदर प्रायोरिटी बढ़ेगी और ये जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं उसमें प्रायोरिटी को बढ़ाने के अर्थ में, तो हम लोग रोज कुछ ना कुछ असाइनमेंट लेंगे और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक समय हम उस पर लगाएं ताकि हम सहज रूप से इस चीज को अपने आप में देख पाए। भैया मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, एक मिनट। जी जी भैया एक्चुअली अभी आप चार कंडीशंस के बारे में जो बोल रहे थे, मेरे साथ परसों माय डॉटर केम बैक होम फ्रॉम कॉलेज और उसने कहा कि अम्मा हम लोग किसी बच्ची का बर्थडे पार्टी था तो हम लोग सब केक काट रहे थे एंड देन आई वाज आल्सो सिटिंग क्वाइटली एंड ईटिंग। उसके एक दोस्त है, दोस्त नहीं है, वो 100 बच्चों में से एक लड़की, वो शी वॉक्स अप टू हर और बोली ऐसे हंसते हंसते सब मजाक ही कर रहे थे, सडनली शी मस्ती में शी कॉट होल्ड ऑफ माय नेक विद बोथ हैंड्स एंड स्टार्टेड सेइंग दैट इन लोग का एथनिक डे हुआ था तो सारी लड़कियां साड़ी पहन के गए थे, तो शी वाज सेइंग यू आर वेरी स्लिम एंड यू नो यू कैन वेयर अ साड़ी एंड लुक गुड, बट देन उसको गुस्सा आया और उसको शी कॉट होल्ड ऑफ हर नेक, यू नो द व्हाट द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई सेड तुम्हारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कहाँ था, यू शुड हैव you know, used your leg or hand and protected yourself because if अगर वो बंद तो मेरे ना first reaction ऐसा हुआ, पर वो लड़की बोली नहीं नहीं मम्मी मुझे ही पता है कि I God will take care, nothing will happen to me। तो क्या करेक्ट है इसमें? मैं सुन के बहुत डिस्टर्ब हुई, मैंने कहा कि अगर कोई हमको हार्म कर रहा है तो सेल्फ डिफेंस पहला होना चाहिए ना, या कैसे क्या स्थिति होना चाहिए तब, मैं क्या सही कैसे सोचूं? जी, एक तो ये देखना होगा कि अभी हम जिस तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं कई बार उसमें लगता है कि ऐसी स्थितियां बन ही सकती हैं कि किसी के अंदर हमारे प्रति विरोध का भाव आ जाए। तो जैसे कॉलेज में बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, है ना, तो हम उसमें देखें भाव किस प्रकार का रहता है, क्या वो संबंध के भाव के साथ, व्यवस्था के भाव के साथ होता है, या उसमें शरीर संवेदना यही सब केंद्र में होती है बहुत ज्यादा। तो उसमें तो ये संभावित है क्योंकि जहाँ संवेदना केंद्र में है, शरीर केंद्र में है, सुविधा केंद्र में है, ठीक है ना, तो उसमें प्रतिस्पर्धा होगी, द्वेष होगा, स्नेह का भाव तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। तो अगर आप बहुत अच्छे ढंग से उसमें सामने निकल कर आए, कंपटीशन में ऊपर आ गए तो द्वेष होगा, नीचे रह गए तो डिप्रेशन होगा। तो अभी तो हमें पूरे जो हमने एक तरह से जो जीने का कार्यक्रम बना लिया है उसको एक बार ठीक से मूल्यांकित करना होगा। तो जिस तरह के फंक्शंस हो रहे हैं उसमें तो ये सब संभावित हो ही सकते हैं। अगर हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम पहले से तैयार रहे कि हाँ किसी न किसी के अंदर हमारे प्रति द्वेष भाव आ रहा होगा, तो हम उस द्वेष को तो एंजॉय नहीं करेंगे, हमको पता है कि कहीं मैं ही खुद संबंध में बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ। बहुत नॉर्मल रहे, बहुत बहुत कामली, बहुत कामली सब, मतलब ज्यादा नहीं करें, हम अपनी तरफ से ये वाला कर सकते हैं। जहाँ सुविधा, शरीर, संवेदना ये सब चीजें ही केंद्र में बनी हुई है,
उसमें मेरी क्या भागीदारी होगी। तो हम अपनी भागीदारी तो वहीं देंगे जहाँ पे हमको लगता है कुछ सार्थकता है, यस नहीं भैया, तो किसी ना किसी रूप में ये सब स्थितियां बनेंगी और बन यस ही रही भैया, है। कॉलेजेस में सब चल रहा है, चल ही रहा है यस भैया, जी। थैंक यू अब भैया, फिर भी अगर कोई करता है तो हाँ अपने शरीर को बचाएंगे, बट यदि संबंध का भाव हमारे अंदर बना रहे तो उसके प्रति विरोध का भाव नहीं आएगा हाँ, यस, जी। नमस्ते भैया जी। जी बड़े नमस्ते। जो दीदी ने शेयर किया उसकी तो कनेक्ट होती हुई एक बात है मेरी, पर हाँ जैसे ये तो एक इंसिडेंट था, बट अभी मेरी डॉटर है वो लॉ फाइनल में है, तो उसको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज का अवार्ड मिला। एंड वो तो कोई ना मेकअप करती है ना तैयार होती है, मतलब लिटरली उसको ऐसी आदत है कभी किसी से बहुत अच्छे से बाल भी, वो बहुत बहुत ऐसा एकदम अप टू डेट वाला उसको बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे कैजुअली रहती है। हेलो, आवाज थोड़ी गूंज रही है आपकी, बहुत क्लियर नहीं हो पा रही हाँ भैया जी, जी। जैसे अभी जी जी ने शेयर किया उसी के कंटिन्यूशन में मेरा क्वेश्चन है, मेरी डॉटर है अभी वो फाइनल ईयर लॉ में है, तो शी गॉट द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द अवार्ड इन हर कॉलेज, है ना, उसके कॉलेज में उसको ये अवार्ड मिला। तो एक्चुअली वो मुझे घर आके बोल रही थी खुश तो बहुत हुई मम्मा, पर क्योंकि उसको अवार्ड मिला बट सराउंडिंग में ऐसे लग रहा था कि बहुत लोग, मतलब उसको नेगेटिवनेस फील हुई, उस दिन भी फील हुई और उसके बाद भी वो ये चीज रोज रियलाइज करती है, टीचर्स का उसके प्रति बिहेवियर एंड उसके साथ में जो भी उसके फ्रेंड्स, नहीं बोल सकते फ्रेंड्स के अलावा भी जो साथ में पढ़ते हैं बच्चे, उनका भी उसके प्रति बिहेवियर। तो मतलब देखिए हम कुछ बहुत नहीं करके भी तो हम ये चीजें रियलाइज कर ही रहे हैं, तो इसको कैसे समझे और इसको कैसे रिजॉल्व किए, क्योंकि वो तो जाकर इस कॉलेज को बोल ही नहीं कि मुझे आप स्टूडेंट अवार्ड दो, है ना, वो तो कॉलेज ने ही वैसे स्टूडेंट अवार्ड सेलेक्ट किया, प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने ही सेलेक्ट किया। जी तो उसमें भी इस बात का तो हम ध्यान रख सकते हैं, अगर कॉलेज खुद से ऐसा एक निर्णय ले रहा है और हमसे पूछा भी नहीं गया कि आपको उसमें भाग लेना है कि नहीं लेना है, ठीक, तो हम उसमें इतना तो ध्यान रखेंगे कि हम जाके अपने साथियों से बताएंगे, किसी से बताएंगे भाई हमने तो ऑप्ट नहीं किया था इसके लिए, पर कॉलेज ने खुद किया है, और हम अपने व्यवहार का ध्यान रखेंगे। तो जिसके अंदर द्वेष भाव आ रहा है उसमें समझ का भाव तो है ही, तो हम कैसे उस व्यक्ति के लिए पूरक हो सकते हैं इसमें द्वेष का भाव आ रहा है, कैसे इसके अंदर हम समझ विकसित कर सकते हैं, उस पर ध्यान देंगे, उस पर काम करेंगे, तो धीरे धीरे वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। साथ में पढ़ने वाले सारे बच्चे या फिर मतलब टीचर, कई टीचर्स भी ऐसा उससे बोला मुझे घर आके कि मम्मी कई टीचर्स उसके बाद, मतलब रोज ही वो बोलती है कि कई टीचर्स का बिहेवियर भी उसके बाद उससे बहुत नेगेटिव होता है, तो हाँ तो वही मतलब बात, हर किसी को जा जाके तो नहीं समझाया जा सकता, ऐसे मुझे एक चीज लगती है। मैंने उसको तो यही बोला, पर मैं अभी आपसे समझना चाह रही हूँ कि मतलब मैं तो मतलब उस चीज को समझना चाह रही हूँ ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूँ उसके लिए। देखिए उसमें भी अभी ठीक से मूल्यांकन करना होगा कि इस अवार्ड के पाने से पहले भी व्यवहार कैसा था हमारा टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, है ना। तो अगर किसी व्यक्ति में श्रेष्ठता है और समाज उसको कोई पुरस्कार देता है तो सबको लगता हो कि लगता है कि हाँ मुझे पुरस्कार मिला, क्योंकि तो सबके अंदर उसके प्रति संबंध का भाव होता है, ये सहज रूप से होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता है और समाज में उसको स्वीकृति मिलती है तो सभी प्रसन्न होते हैं, सभी उस व्यक्ति के साथ जो संबंध का भाव है उसके साथ उस पुरस्कार में अपने आप को भागीदार देख पाते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि बेटी का पहले अपने साथियों के साथ, टीचर्स के साथ व्यवहार कैसा था, है ना, उसमें भाव कैसा था। ऐसा हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा का भाव रहा हो, द्वेष का भाव रहा हो, और द्वेष में प्रतिस्पर्धा में आगे निकल गए तो नहीं बाकी भैया, लोग। ऐसा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स पॉजिटिव थे ही, इसीलिए ये इसको डिसीजन तो ओपन टीचर्स और रखिए अभी, एडमिनिस्ट्रेशन ने ही लिया, बट जी जी कुछ अभी इसको तो ओपन रखिए, अभी अभी दीदी इसको ओपन रखिए, क्योंकि उसमें फिर बच्ची के अंदर श्रेष्ठता की कितनी समझ हो पाई है, श्रेष्ठता के लिए कितना प्रयास, श्रेष्ठता मतलब स्किल में नहीं, समझ और भाव में। ओके जैसे अभी आप देखें कि आप जिस कॉलेज में है ना, उसमें यदि कोई व्यक्ति है, कोई टीचर है,
और उनके अंदर परिमार्जन दिखाई दे रहा है, उनके आचरण में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वो सबके साथ संबंध पूर्वक निर्वाह करते हैं, सबके प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं। अब पहले के मुकाबले उनके अंदर वो श्रेष्ठता धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति को जब कॉलेज स्वीकृति देता है, तो क्या आपको स्वीकार नहीं हुआ कि हाँ इनको तो मिलना ही चाहिए था, कि कितना मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर? स्वीकार होगा नहीं होगा? बिल्कुल होता है भैया जी, पर हम सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, ये भी दिखता है। मतलब ये चीज मेरी हाँ, बात होती आते रहती है रोज बैठी हैं, थी, आते हैं मैं इसपे। तो कम से कम उसको बोलती जी, तो आपको जब व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता दिखाई देती है और उस व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है हूँ। सिस्टम के द्वारा, समाज के द्वारा, तो आप उससे प्रसन्न होते हैं, ना कि द्वेष का भाव आता है। नहीं, ठीक ठीक है बात है, ना प्रसन्न होते हैं। जी? तो वहां पे भी देख लें, अब अगर कोई व्यक्ति उनके अंदर श्रेष्ठता नहीं देख पा रहा तो वो परेशान हो सकता है। जो देख पा रहा होगा वो उससे हर्षित होगा, है ना, उत्साहित होगा। तो एक तो ये भी देख लें कि अभी बच्ची का ध्यान सही समझ सही भाव की ओर कितना गया है, वो तो कितना प्रयास कर रही है अपने अंदर। अगर कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव है, द्वेष का भाव है, तो ये घटना है जो घटित हुई। आगे और बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं कि एकदम नहीं, बिल्कुल उसमें कभी बिल्कुल पीछे रह गए। ये भी हो सकता है कि कभी किसी और को पुरस्कार मिला तो बच्ची के अंदर भी प्रतिस्पर्धा का भाव बना हुआ था और सही भाव नहीं प्रस्तुत हुआ, तो एक पूरा माहौल ही इस तरह का बन जाता है। और ये कोई आपकी बच्ची के साथ है, ऐसा नहीं है। अभी तो मैं देखता हूँ IIT वगैरह में, अगर देखें तो दूर से तो लगता है हाँ भाई बहुत अच्छा एजुकेशन होता है और बहुत इलीट इंस्टीट्यूशन है, बट आप जाकर अंदर देखिए तो कितना प्रतिस्पर्धा का माहौल ठीक है। बात है भैया। जी, तो अभी तो जो बच्चा नहीं परफॉर्म कर पा रहा उस प्रतिस्पर्धा में, उसे जाके पूछिए सुखी है कि दुखी, तो कहेगा महा दुखी। और जो व्यक्ति परफॉर्म कर पा रहा है उसे जाके पूछे तो इतने हाइपर एक्साइटमेंट में है वो, कहीं ठीक से आपसे बात ही ना करे। अब उससे सभी द्वेष कर रहे हैं, या ज्यादातर लोग द्वेष कर रहे हैं, ये सब कुछ चलता रहता है। कभी दूर से देखने में तो चीजें ठीक लगती हैं, पास जाके देखिए तो दिखता है कि भाई संबंध का मामला कैसा है, व्यवस्था कैसी है, ठीक रहन सहन जीना कैसा है, तो पता लगेगा क्या स्थिति है। जी, तो इन सब चीजों पे अभी हमारा ध्यान नहीं जाता, तो हमको लगता है कि ठीक है हायर एजुकेशन ले रहा है बच्चा, ठीक, और इसके बाद कहीं प्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाकी सब तो ठीक ही है। बट अगर हम एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ देखें तो बहुत सारी कमियां चल रही हैं साथ में, जिसपे अभी हम नहीं काम कर पा रहे, हमारी अपनी सीमाएं होंगी। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर एक चीज तो मैंने ऑब्जर्व किया सर, जैसे किसी बड़ी लेविसरी पार्टी में जाते हैं जी तो वहां कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या का काफी कुछ समझने के बाद भी एक भाव तो डेवलप होना शुरू हो जाता है सर। जी अब ज्यादातर तो यही लगता है मुझे कि ना समझ नहीं है, ना सर की वेस्टेज कर रहे हैं, किसी सही काम में इस पैसे को लगाते तो बहुत अच्छा होता समाज के लिए, मानव जाति के लिए। तो इसको लेकर साहब थोड़ी सी एक अपोजिशन अपने आप में एक डेवलप सा होने लगता है। अरुण जैसे बात करते हैं तो कहते हैं यार तुम क्या सोचने लगते हो, ऐसा मत सोचा करो। हाँ, तो देखिए उसमें आप पार्टी में जाके तो भले ही मत कहिए, पार्टी के बाद तो बताइए कि भाई कितना साधन उन्होंने खर्च किया, उसकी उपलब्धि क्या हुई कि नहीं, तो उसके बाद जी लोगों सर, से बात करिए। तो हम ये जी देखें सर, ना जी कि हमारी उनके साथ भागीदारी कैसी है। और देखिए पार्टी में कोई बुलाए भी तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम जाएं, अगर हमें लग रहा है कुछ भी सार्थक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि भाई हम एक अलग तरह की पार्टी करेंगे, वो वर्कशॉप होगा, पूरे 8 दिनों की पार्टी होगी, आप सब लोग आमंत्रित हैं, आइए बैठ के हम लोग कुछ सार्थक चर्चा करेंगे कि नहीं, जी सर, जी सर, तो हम लोग ज्ञान की पार्टी करेंगे, भाव की पार्टी करेंगे, ये भोग विलास वाली पार्टी नहीं करेंगे कि नहीं जी सर, जी सर, जी। तो हम लोग ज्ञान और भाव की पार्टी में आए, सब शेयर करें, हम लोग कर ही रहे हैं। अभी देखिए 3 दिनों पार्टी का का मतलब तो सब जो मैं समझ पा रहा हूं या देख भी पा रहा हूं, भोग विलास ही बचा है साहब। अब उस पे नहीं जाते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं कि वही बचा है, अभी हम जी लोगों ने 3 दिन कानपुर में, है ना, वॉलंटियर्स मीट किया, तो पूरे ज्ञान और भाव की पार्टी हुई। हम लोगों ने योजनाओं पे बात किया, कार्यक्रम पे बात किया,
सबने एक दूसरे के साथ अपने भाव शेयर किए, अपने अंदर जो परिमार्जन हो रहा है उसको शेयर किया कि नहीं, ये भी एक तरीका है। सबने एक दूसरे को खिलाया पिलाया, बैठ के बातें की, एक दूसरे के परिवार के बारे में जाना, एक दूसरे का नंबर लिया, अब सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये भी एक पार्टी हुई। तो पार्टी के फॉर्मेट में बदल देते हैं। अभी देखिए ऐसा भी नहीं कहे कोई विकल्प नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि कोई सिर्फ यही हो रहा है जो समाज में हो रहा है, ऐसा नहीं, बहुत सारे सार्थक काम हो रहे हैं। अभी हम उसको ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। मुझे तो अब दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा जगह नहीं है ना, कस्बा जिला गांव, जहां पे लोग कुछ सार्थक करने में लगे हुए नहीं है। हमको नहीं दिखाई दे रहा भले ही, पर ध्यान से देखते हैं तो दिखाई देता है। अभी पता चल रहा है कि हर इंडस्ट्री के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक विंग होता है, और CSR जो है, CSR कहते हैं इसको, वो समाज के उत्थान के लिए, प्रकृति के संवर्धन के लिए बहुत सारा काम कर रही है। इतने NGOs हैं, सोसाइटीज हैं, इतने लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो अपने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ ना कुछ सार्थक कर रहे हैं, तो हम उनके साथ कनेक्ट हो जाए। जी सर, जी सर। तो सार्थक काम भी बहुत हो रहा है ना, वो तो हम जितनी अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे हमको अपने जैसे और लोग दिखाई देंगे, और अब थोड़ी भागीदारी आपकी बढ़नी चाहिए वॉलंटियर के रूप में, क्यों? जी सर, जी सर, बिल्कुल, अपनी अब भागीदारी थोड़ी बढ़ाइए। परिमार्जन का मतलब है परमानेंट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। एक साथ मुझे और कहना था, जैसे ये सारे एक्टिविटी जो है सब, हमारा भी एक भाई है जी। वो CSR वाले उसमें ही है, तो मैं उससे यही बात कर रहा था। मैंने कहा यार अभी तक आप सीमितों का सिलाई सिखा दो, सिलाई मशीन दे दो। मैंने कहा सबसे बेटर तो यह है कि आप UHV के अपने उनसे बात करिए, चेयरमैन से, UHV के कोर्स चलवाइए, उसी की आप क्लासेस करवाइए, उसमें हेल्प करिए। हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हम में से जो साथी इस दिशा में अगर कुछ काम करना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। CSR को थोड़ा दिशा देनी है, CSR पे बहुत सारा काम हो रहा है, और पता चला कि बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं जो काफी फंड भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इसको अगर इंक्लूड करें तो उनके कार्यक्रम ज्यादा सार्थक होंगे, उनकी एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, और आसपास के क्षेत्रों में भी समझ पे काम हो पाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है जिसपे काम हो सकता है ना, कुछ साथी अगर मन बनाते हैं। जी सर, आगे जी सर। मैंने साहब ये पाया, वो भी डिस्कस कर रहा है कि मैंने कि आप डायरेक्शन काम करो तो जो आप कर रहे हो इसका कई गुना इफेक्ट इसका आएगा। जी जी बिल्कुल। देखिए एक तो बात यह है कि अब हम सार्थक काम में वॉलंटियरिंग शुरू करें अगर नहीं कर रहे तो, और दूसरा हम देखें कि और क्या क्या सार्थक काम हो सकते हैं। तो जैसे कॉर्पोरेट के साथ जुड़कर CSR में सही समझ, सही भाव आधारित कार्यक्रम को ले जाना, जैसे जिसको हम लोग अभी योजना में लोक शिक्षा योजना कह रहे हैं ना, एक लोक शिक्षा योजना के स्तर पर अगर कॉर्पोरेट इन्वॉल्व होता है तो बहुत ही उपयोगी रहेगा। जी सर, जी सर, जी, बढ़िया बढ़िया भैया। मैंने इस डायरेक्शन में थोड़ा काम करना शुरू किया है CSR पे। हाँ, कि उनका फंड इस डायरेक्शन में थोड़ा डाइवर्ट होना शुरू हो जाए। फंड की मूलतः जरूरत नहीं है, देखिए अभी वो लोग वर्कशॉप करें, समझें, और उनको दिखाई दे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सुविधा मुहैया कराना नहीं है। वो तो साहब अभी तक यही मानकर चल रहे हैं, इसलिए मैंने उस समय भी कहा तू क्लास कर पहले, तू समझ। जी जी, उसके बाद आप अगली डायरेक्शन में आओ। तो जीने के अर्थ में समझना है, समझने के अर्थ में देखना है, देखने के अर्थ में ध्यान देना है। समझने की कुल वस्तु क्या है, तो देखिए अस्तित्व समग्र, उससे कम में कोई बात पूरी होगी नहीं। अस्तित्व को देखते हैं, दिखता है अस्तित्व सह अस्तित्व रूप के रूप में है ना, अस्तित्व बराबर सह अस्तित्व, और सह अस्तित्व को फैला के देखते हैं दिखता शून्य है, शून्य में इकाइयां संपृक्त हैं, और इकाइयां दो प्रकार से हैं, जड़ और चैतन्य। इकाइयों के समूह को ही प्रकृति कहा। तो समझने की मूल वस्तु में देखें तो तीन मुद्दे हैं, एक तो चैतन्य मैं को समझना, दूसरा जड़
को समझना, उदाहरण के रूप में शरीर को समझना, और तीसरा सहसित को समझना, शून्य को समझना। तो चूंकि समझने वाला मैं हूं तो मुझे स्वयं को समझना जरूरी है, है ना। तो ये तीन मूल मुद्दे हैं, स्वयं को समझना, जड़ को समझना यानी उसको शुरुआत करें तो शरीर को समझना, और शून्य को समझना, और शून्य को समझने के क्रम में सहसित को समझना। तो ये तीन मुद्दे हैं। इन तीन वास्तविकताओं को समझने के अर्थ में हमें अभ्यास करना है। तो अभ्यास एक में मैं चैतन्य मैं को समझने का काम विस्तार से करेंगे, और अभ्यास दो में जड़ को समझने का काम विस्तार से करेंगे। तो अभ्यास एक जो हम करेंगे उस पर हमारा फोकस मैं पे होगा, उसको जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ेगा आपको बात ध्यान में आएगी, और अभ्यास दो में जड़ को समझने का काम करेंगे और जड़ और चैतन्य के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है उसको भी देखेंगे और उसके विस्तार में जाएंगे, और देखिएगा कि ये जो आदान प्रदान हो रहा है उसके साथ मैं कैसे अर्थ जोड़ता हूँ और उससे कैसे मेरा सुख दुख प्रभावित होता है। जी इतनी बात ठीक है। जिन लोगों ने बैच 6 तक अभ्यास किया है उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, अभ्यास 1 और 2 कर चुके हैं, बट हम में से कई साथी जो पहली बार सुबह के सत्र में जुड़े हैं उनके लिए ये बात नई सिरे से आ रही है। जी तो वैसे देखें तो तीन अभ्यास है, अभ्यास 1, अभ्यास 2 और अभ्यास 3। अभ्यास 3 में हम सहस्तित्व को समझने का काम करते हैं, यानी शून्य को देखने का, सहस्तित्व को देखने का अभ्यास करते हैं, बट इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे, उसके लिए थोड़ी और तैयारी चाहिए। तो समझने के अर्थ में जो हम अभ्यास करने वाले हैं, अस्तित्व को देखते हैं, दिखता है कि इकाइयां हैं, शून्य है, शून्य में इकाइयां संपृक्त हैं। इकाइयां दो प्रकार से हैं, जड़ और चैतन्य। तो जड़ का उदाहरण ले जैसे शरीर, तो जो सबसे सहज रूप से मुझे उपलब्ध है जड़ इकाई, वो तो मेरा शरीर ही है, मेरे साथ पूरे समय बना हुआ है, मैं उसको देख ही सकता हूँ, मैं स्वयं को देख ही सकता हूँ, है ना। इनफैक्ट जो चीज हमारे लिए सबसे बड़ा रहस्य बना रहता है मैं स्वयं, तो मैं ही देखने वाला और मैं अपने लिए ही रहस्य बना रहता हूँ। तो कई बार एक बात हम लोग जो कहते हैं कि मैं ही दृष्टा और मैं ही दृश्य, तो फिर कठिनाई कहाँ है। तो चैतन्य को देखना और शून्य को देखने क्रम में दो इकाइयों के बीच में दूरी को देखना, संबंध को देखना, और फिर सीधा सीधा शून्य को देखना, ये तीन अभ्यास बन जाते हैं। तो तीन तरह की वास्तविकताएं हैं, शून्य जो असीम है, व्यापक है, क्रिया शून्य है, चैतन्य इकाई जो सीमित है, क्रियाशील है, क्रिया है बट उसमें चैतन्यता है, और जड़ इकाई। तो इन तीनों वास्तविकताओं को हम देखने का काम करेंगे। क्रम के रूप में देखें तो मैं से शुरू करेंगे, क्योंकि मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही देखने वाला हूं, तो अगर मुझे अपने बारे में स्पष्टता होगी तो मैं फिर बाकी चीजों को ठीक ठीक देख पाऊंगा, नहीं तो अपने बारे में जो हमारी मान्यता बन जाती है उस मान्यता के साथ जब देखने जाते हैं तो वहां पे अस्पष्टता बनी रहती है, वो मान्यता दूसरी इकाइयों पे आरोपित हो जाती है। तो हमारा ये देखने क्रम रहेगा, चैतन्य से शुरू करेंगे फिर जड़ पे जाएंगे। इनफैक्ट जो अभ्यास दो है इसके आखिरी स्टेप में आप देखेंगे तो हम वहां पर शून्य को भी देखने का अभ्यास शुरू करेंगे, तो एक झलक तो अपने को मिलती है कि यहाँ आगे के लिए क्या कार्यक्रम बनता है। तो देखना क्या होता है ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है, हम लोग इस पर बात करेंगे मॉड्यूल 2 में कि देखना क्या होता है। अभी हमको देखने का मतलब लगता है आस्वादन करना, जैसे सामने पेड़ है तो हमने पेड़ को देख लिया, कैसे देख लिया, कोई व्यक्ति आ रहा है हमने कहा कि हाँ मैंने देखा व्यक्ति यहाँ से जा रहा था। अब देखने का मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति का रूप हमारे आंखों में गया, वो चित्र पेड़ का जो रूप है वो हमारे आंखों में गया, फिर आंखों से हमारे मेधा तक गया, मेधा से मुझ तक गया, और मैंने उसको अर्थ दिया कि ये व्यक्ति है, ये पेड़ है, और फिर मैंने कहा कि हाँ मैंने व्यक्ति को जाते हुए देखा है, पेड़ को देखा, वो कहीं नहीं जा रहा था, वो तो ही खा रहता है कि नहीं। तो ये फिर हमें कुछ निष्कर्ष निकाले अपने आप से। तो हमने क्या किया, कोई रूप का आस्वादन किया और उस आस्वादन के आधार पर हमने कोई अर्थ दिया, और फिर अर्थ के आधार पर फिर हमने आगे का योजना बनाया। तो अभी देखने का मतलब हमारा
देखें तो सोर्स जो बनाता स्वादन है, तो क्या देखना आस्वादन के आधार पर ही होता है या बिना आस्वादन के भी देखा जा सकता है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे मैं अपना आस्वादन करके अपने आप को देखूंगा या मैं सीधा सीधा स्वयं को देखूंगा, ये तो स्पष्ट हो जाए। मैं शून्य का आस्वादन करूंगा या शून्य को मैं सीधा सीधा देखूंगा, तो सीधा सीधा देखना क्या होता है, इस पे हम लोग जितने अभ्यास करेंगे उतना बात और स्पष्ट होगा। तो देखने क्रम में मैं यानी चैतन्य को मैं द्वारा देखना, शरीर जो जड़ है उसको मैं के द्वारा देखना, से अस्तित्व को शून्य को मैं के द्वारा देखना। उसी क्रम में देखें मैं और शरीर के बीच की दूरी को देखना, मैं और शरीर के बीच संबंध को देखना। तो देखने वाला मैं हूं, नहीं आंखें नहीं है, आंखें तो शरीर का एक भाग है, एक यंत्र के रूप में काम करे, एक साधन के रूप में काम करे। आंखों में तो चित्र हर बार अलग अलग दिखाई देता है, कोई भी दो पेड़ बिल्कुल एक जैसे तो होते नहीं है, क्या लगता है, बट हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ ये दोनों ही पेड़ है। तो रूप को देखें तो हर बार तो अलग अलग दिखाई देता है, जिस कोने से खड़े होकर देखेंगे फिर भी एक अलग रूप दिखाई देगा। आज उसी पेड़ को हमने बालकनी से देखा तो एक तरह का रूप है, कल सुबह देखा तो अलग रूप है, रूप बदल गया है कि नहीं। तो आंखों में तो रूप हर बार उसका अलग अलग बनता है, बट हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ ये पेड़ है, ये वही पेड़ है, ये वही व्यक्ति है। आपका रूप भी हर दिन बदल रहा है, आप मतलब शरीर का अगर रूप देखें हर दिन बदल ही रहा है, कोशिकाओं में परिवर्तन हो रहा है, अंगों में परिवर्तन हो रहा है। इससे 5 साल बाद मिलिए तो दिखता है कि हाँ चेहरा बदल गया है, बट वो चेहरा 5 साल में हर दिन बदला है कि नहीं, तो शरीर भी हर दिन बदल रहा है। तो आंखों में तो रूप बनता है, ठीक, उस रूप को देखकर मैं निष्कर्ष निकालता हूँ कि हाँ यही ये वही व्यक्ति है, हमारा ही बच्चा है, 5 साल पहले ऐसा रूप था आज ऐसा रूप है, 10 साल बाद किसी और तरह का रूप होगा, ये हमारा ही संबंधी है नहीं। तो आंखें जो है वो शरीर का भाग है, एक यंत्र के रूप में काम करती है। मैं देखने वाला चैतन्य निकाय देखने वाली, ये बात ठीक है। इतनी बात को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। जी, किन्होंने पूछा हाउ एंड वेयर टू एक्सेस डेली सेशन रिकॉर्डिंग, ये YouTube पे अपलोड हो रहे हैं, आप जाएंगे अगर uhb.org.in पे वहां पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पहले भी शेयर किया गया ग्रुप पे, हम लोग फिर से शेयर कर देंगे, इसको एडिट करके अपलोड करने में कुछ दिनों का समय लगता है, उसके बाद आपको मिल पाएगा। जी, इतनी बात ठीक है, ये कहना ठीक है कि आंखें नहीं देखती है मैं देखता हूँ, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। हाँ भैया, पिछले पिछले सत्र में भी इस पर काफी डिस्कशन हुआ और काफी प्रैक्टिस भी, अभ्यास को समझाया भी, और हमने मैंने समझने की पूरी कोशिश करके उसको अभ्यास भी किया। तो बाकी सारी स्टेप जो फर्स्ट में जो मैं के द्वारा मैं को देखना, पहला जो अभ्यास है उसमें जो 7 स्टेप्स हैं, और मैं के द्वारा शरीर को देखना इसकी भी 7 स्टेप्स, और 7वीं स्टेप्स जो शून्य के साथ आपने एक्सप्लेन की थी वो भी कहीं कहीं अनुमान में आता है, लेकिन ये जो मैं और शरीर के बीच दूरी है, मैं और शरीर के बीच संबंध, तो सूचनाओं के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से हम महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन मैं और शरीर के बीच दूरी में भैया थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। ये मैंने गणेश सर से भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं और शरीर के बीच की दूरी में शरीर तो एक जड़ इकाई है, ग्रॉस है, तो हम देख पाते हैं उसको, महसूस भी कर पाते हैं, लेकिन मैं जो है वो एक इमेजिनेशन के स्तर पर है, तो इमेजिनेशन में क्या चल रहा है वो तो हम देख पाते हैं, लेकिन मैं शरीर से दूर है वो कहाँ है, क्योंकि इसकी कोई ठोस एंटिटी तो है नहीं, तो वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता कि हम जो मैं और शरीर के बीच की दूरी की बात करें तो मैं है कहाँ पे, क्योंकि मैं की लोकेशन पता हो तो अभी मैं आते, अभी आते देखिए, अभी थोड़ा आप आगे की बात कर रहे हैं, अभी तो हम बस ये बात कर रहे हैं
कि देखने वाला मैं हूँ आंखें नहीं, ये बात ठीक है कि नहीं? ये ठीक है, और बाकी सेवन स्टेप्स में भी कहीं कंफ्यूजन नहीं है, उसको देखने का उसका अभ्यास भी बराबर चल रहा है। फिर से गुजरेंगे उन सेवन स्टेप्स से और एक एक मुद्दे बात करेंगे। दूरी का अर्थ क्या ये भी समझेंगे? मैं और शरीर की दूरी है, अभी तो बाकी लोगों ने इस पूरे प्रस्ताव को सुना नहीं है ना, तो मैं रिस्पॉन्ड भी करूंगा तो बाकी लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं जी भैया, एक्चुअली ये यहाँ पर स्लाइड में आया, मैं पूछना भी नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि वापस सारी स्टेप्स हो जाएं, लेकिन मेरा क्वेश्चन यही बना हुआ था तो मैंने कहा रख दिया, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं भैया। जी जी ठीक है, इसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। जी रशपाल जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। जैसे मैं देख रहा है कि वृक्ष है, तो वृक्ष से हम, मेरा मैं समझ रहा है कि वृक्ष के पास तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारे गुण हैं उसके पास, तो वो गुण को अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ और उसको समझती हूँ तो मैं में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, क्योंकि वो बिना किसी कुछ इच्छा किए हम लोगों से वो निरंतर लीव्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, फिर उसने फ्रूट्स भी दिए, हमने फ्रूट्स भी खाए, और हम उसने इतना हम लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं करी। तो मैं अपने को उस पेड़ के साथ कंपैरिजन करूं तो मेरे को बहुत सारा कुछ समझने को मिलता है पेड़ से ही। तो इसमें मेरा मैं, जो मैं है, वो मैं सोच रही हूँ कि वो शायद थोड़ा सा उससे कुछ समझ रहा है, और वो प्रकृति जो अपने में को एग्जिस्ट है वो अपने आप ही हम लोगों को कुछ समझाना चाह रही, वो नेचुरली है बन रहा है। तो हम लोग मेन है कि हम अपने आप को वो उस क्लाउड को हटाएं और समझने की कोशिश करें, जहां तक मैं समझ पाई हूँ इस चीज को। सर एम आई राइट? नहीं। क्या लगता है पेड़ में मैं है कि नहीं? पेड़ में मैं नहीं है, सुनने तो शायद मनुष्य में है, पेड़ में तो एक को नेचुरली को एग्जिस्टेंस है, वो बना हुआ है उसमें, और हमारे में भी बना हुआ है, हम वो समझ नहीं पाते। क्या नहीं समझ पाते? कि वो हमारे संबंध, अपने भाव एक दूसरे के साथ, एक्सप्रेशंस, ये हम लोग समझ में है क्या? थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मैं थर्ड पोजीशन पे हूँ, फोर्थ में अभी शायद अभी नहीं जा पाऊंगी। वो मिक्सअप करने से नहीं बात बनेगी। अभी देखिए क्या है ना कि मानव को मानव की तरह सीधा सीधा समझा जाए ज्यादा ठीक है, ये पेड़ पौधों से हम इंस्पिरेशन लेने लगते हैं ना, फिर वो बात बनती नहीं है। ठीक है सर। तो पेड़ में मैं तो है नहीं, पेड़ तो नहीं है, तो उसमें तो वो एक नेचुरली साइकिलिंग है। तो पेड़ अपने पेड़ की तरह आचरण कर रहा है, मानव की तरह आचरण क्या होता है वो आपको समझना है। हाँ जी, जो एक को रिलेशनशिप में हार्मनी है वो उसको ज्यादा समझना है। जी जी, तो पेड़ को पेड़ की तरह समझे, मानव को मानव की तरह समझे। तो पेड़ की बनावट ही ऐसी है कि उसमें बीज फल निकलते हैं, फल है ना, पशु पक्षी मनुष्य सभी लेते हैं, ठीक है, तो उसकी बनावट ही ऐसी है। वो कुछ फल होते हैं जिसके बीज से वापस पेड़ तैयार हो जाता है, तो पूरे प्रकृति का चक्र ही ऐसा है। हर बीज से अगर पेड़ तैयार होगा तो प्रकृति की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, और उसमें बीज ही ना हो ताकि कोई नया पेड़ तैयार हो, ये भी ठीक नहीं है। तो प्रकृति की व्यवस्था बनी हुई है, और व्यवस्था इस प्रकार से बनी हुई है कि चारों अवस्थाएं एक दूसरे के लिए पूरा हो पा रही है, जैसे पेड़ पौधे भी हैं, मिट्टी हवा पानी भी है। हमें ये देखना है कि हम पेड़ पौधों के लिए, मिट्टी हवा पानी के लिए कैसे पूरा हो सकते हैं। तो हमको दिखता है कि सहज रूप से मैं दूसरे का पोषण करना चाहता हूँ, दूसरे के साथ संबंध का निर्वाह करना चाहता हूँ, व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता हूँ, उसको हम समझ लें। देखें जी, बढ़िया बढ़िया, उसमें पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है ना सर। तो वो पार्टिसिपेशन चाहे हम वर्क प्लेस पे हो, चाहे हम होम में हो, चाहे सोसाइटी में हो, वो पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। हाँ, पार्टिसिपेशन, इसलिए अब आपका पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है उसको मैं आपसे पूछने वाला हूँ, तभी आप किस रूप में पार्टिसिपेट कर रही है। सर वो ना थोड़ा सा अभ्यास करने पर, क्योंकि भाव जो है ना वो
जो बने हुए हैं ना पहले से, उसको कंट्रोल करना और उसको आगे संबंधों में लाना, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस में है, अभी इतना श्योरिटी नहीं है। हाँ ठीक है, देखिए अभी इतना सारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी आप भागीदारी शुरू करें तो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि मुद्दा कंट्रोल करने का नहीं है, सही भाव सुनिश्चित करने का है। जी 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 हाँ, ये बात भी सर, डेली डेली जो आपका एक शब्द है ना, मैं उसके ऊपर ना बहुत सारे विचार करती हूँ कि मेरे को भाव की स्थिति को समझने का, तो उसके ऊपर मैं वर्क करती हूँ कि मैं कोई ऐसा एक शब्द देखूं कि जहां मैं चूक रही हूँ उस शब्द के ऊपर मैं फिर अपना एक्सरसाइज करती हूँ पूरा दिन। तो ये कुछ थोड़ा सा मेरे अभ्यास में, शायद मेरे भाव में समझने, बिहेवियर वाइज समझ में और प्रक्रिया जो हो रही है उसमें भी निरंतर परिवर्तन नजर आ रहा है। जी बढ़िया बढ़िया दीदी, ठीक है सर। वो जो आपने पेड़ का जो एग्जांपल बताया वो बहुत सही था, और उससे भी मैं थोड़ा सा और आगे सोचने की देखती हूँ कि कहाँ तक मैं उसको प्रैक्टिस में लेती हूँ सर। सही है, क्या निष्कर्ष निकाला आपने पेड़ वाले उदाहरण से? कि पेड़ और उसमें मैं और पेड़ बिल्कुल भिन्न है, उसकी अपनी व्यवस्था है, हमें अपनी व्यवस्था में जो भाव है उस स्थिति को व्यवहार में लाना। जी ये ठीक है, ये ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बढ़िया बढ़िया जी। हेलो नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मैं अपनी बात करूंगी कि मुझे भाव अभाव लगता है तो वो क्या नेगेटिविटी है अभाव, और भाव को कैसे बढ़ाया जाए संबंधों में वो मेरे को अभी भी। हेलो जी, इसी के लिए अभ्यास करने वाले हैं कि कैसे हमारे अंदर सही भाव सुनिश्चित हो। अभ्यास एक में हम मूल मुद्दा यही रखेंगे कैसे मेरे अंदर सही भाव सुनिश्चित हो, क्योंकि हम हमेशा चाहते ही चाहते हैं सामने वाले से, और मांगना चाह रहे हैं, और भिखारी मतलब मेरे को तो कई बार लगता है, फिजिकल फैसिलिटी की बात नहीं करूं मैं, या तो दरिद्रता ही नजर आती है कि हमारी कहां व्यवहारिकता में कमी है कि हम इतने गरीब हैं संबंधों में। ऐसे आप कहने को बहुत दोस्त और परिवार में मिल जाएगा, लेकिन अंदर से जो लगता है कि क्या कमी है जो हम वो इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पाते, क्योंकि ज्यादातर चीजें फिजिकल नीड्स पर पहुंच जाती। जी जी, तो अभी ये पूरे कोर्स में जो लेक्चर हम लेके चलेंगे उसमें भी ये बात स्पष्ट होगी, और जो अभ्यास करेंगे उसमें भी बात स्पष्ट होगी, मगर कोई बात अगर अस्पष्ट रह जाए तो आप जरूर हैंड रेज करके प्रश्न करिएगा, उसको लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। और दूसरा आप ही कह रहे थे जैसे पेड़ है, तो मैं और शरीर मतलब मेरी आंखों से वो पेड़ दिखता है, और आंख मीच के भी मैं पेड़ देख पाती हूँ जी। तो आंख मीच के पेड़ देखना, तो वो क्या मेरी मेमोरी ब्रेन में है, या वो भी कोई प्री कंडीशनिंग की हाँ ये पेड़ ऐसा होता है वो मैंने ले रखा है, या उस समय मेरा मैं वो है वो पेड़ को देख रहा है? नहीं, उसमें तो मैं पेड़ को देख रहा है उस समय ऐसा तो नहीं कहेंगे, तो मेमोरी में आपके चला गया, आपने सामने पेड़ देखा तो आपके उतना शीलता में चला गया। ब्रेन का रोल बस इतना ही है कि जब शरीर से हम कोई सूचना ले रहे हैं, शरीर कोई सूचना दे रहे हैं, तो ब्रेन एक यंत्र के रूप में काम कर रहा है। अच्छा, मीडिएटर है, मैं और शरीर के बीच में मीडिएटर है। हाँ, वो भाग है जो मेरा शरीर को आपस में कनेक्ट करता है। जी, जो शरीर का ही भाग है। इसमें हम लोग बात करेंगे दीदी, विस्तार से करेंगे, कुछ और हैंड्स रेज़ हैं बट अब प्रश्न नहीं ले पाएंगे हम लोग। थैंक यू भैया, जी।